सो हाय फेलर्स, जेंगो हियर। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं गेम में आए दो न्यू इवेंट्स के बारे में, जिनका नाम है ब्लैक मार्केट इवेंट एंड सेकंड एनिवर्सरी इवेंट। एंड देखेंगे किस तरीके से हम लोग इस इवेंट को यूज कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ले सकते हैं काफी अच्छा स्टफ। साथ ही साथ गाइस, गेम में आई है काफी कमाल की ट्रिक, जिसमें हम लोग BRDM व्हीकल के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, नाचो गाओ जो भी मर्जी करो। एंड तुम लोग एक बार भी व्हीकल से फॉल डाउन नहीं हो गए, एंड तुम लोग नहीं मरोगे, तो तुम्हें मैं ये बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग इस ट्रिक को। एंड साथ ही साथ गेम में एक और ट्रिक है, जिसमें हम लोग पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, मतलब पानी के अंदर अगर हम लोग चले जाएंगे ना तो एक बार भी मरेंगे नहीं। एंड वो स्टिक जो है वो सिर्फ चलती है सेकंड एनिवर्सरी मोड के अंदर। तो इस वीडियो में काफी कमाल की चीजें होने वाली हैं, अगर आपको वो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए, एंड कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब ऐसे अपकमिंग लीक्स ट्रिक्स ग्लिच न्यूज सबसे पहले जानने के लिए। सो गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्सपेक्ट, जो कि एक काफी कमाल की वेबसाइट है, क्योंकि ये सिर्फ साइन अप करने के दे रही है $100, जिसकी इंडियन करेंसी होती है 7,000 रुपीज, जिसपे सिर्फ आपको साइन अप करते हुए यूज करना है मेरा कोड जो कि है स्टैंगो। एंड इन पैसों को आप लोग इन फ्यूचर कर सकते हो विड्रॉल किसी भी प्लेटफॉर्म, अपने बैंक में, पेटीएम में, गूगल पे, फोन पे। तो गाइस, मैंने लिंक नीचे दिया है, जाओ अभी साइन अप करो एंड यूज करो कोड स्टैंगो फॉर 7,000 रुपीज कैश बोनस। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इवेंट से। तो हम लोगों की गेम में आज के दिन दो इवेंट्स आए हैं। पहला एक इवेंट हम लोगों को दिखता है सेकंड एनिवर्सरी सेल इवेंट। आई नो तुम लोगों को इसके बारे में पता ही है, मैं ये कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने नहीं लगा। बट एक और इवेंट आया जो कि गेम में पहली बार आया, जिसका नाम है ब्लैक मार्केट। एंड वो ब्लैक मार्केट जो इवेंट है वो एक हिडन इवेंट है, नॉर्मली हमें गेम में नहीं दिखेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। इस वाले इवेंट में गाइस कुछ नहीं है खास बताने के लिए, तुम्हें पता ही है इसमें हम लोगों को रेगुलरली नए नए आइटम्स आएंगे जिनमें हम लोगों को बाय करना है। तुमने ऐसे कुछ भी बाय करना है तुम कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो यूजलेस है, कोई इसका फायदा नहीं है। नीचे की तरफ जाओगे तो वो आप लोगों को ऐसे दिखेंगे लिमिटेड टाइम आइटम्स है, जो कि आप लोग चेंज कर सकते, खुद ही चेंज हो जाएंगे। आई मीन आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम दिख रहा है। एंड ये जो सेल वाले आइटम है वो आप चेंज कर सकते हो, जिसपे आपको 20-70% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड चेंज करने के लिए पर चेंज पे आपको 20 UC लगेंगे। बिल्कुल यूजलेस इवेंट है मेरे हिसाब से, जिनको यूज करना है कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने इसको यूज किया। सेकंड इवेंट जो आता है गाइस वो है हम लोगों का ब्लैक मार्केट इवेंट। आप लोग ब्लैक मार्केट इवेंट को अगर यहां पे कहीं पे भी ढूंढोगे आपको वो नहीं मिलेगा। तो गाइस आप लोगों को जाना पड़ेगा अपने क्लैन सेक्शन में। क्लैन सेक्शन में जैसे ही जाओगे, हो सकता है ऐसा हो सकता है जैसे मेरे में शो हो रहा है, आप लोगों को इवेंट ना शो हो रहा हो, ये चीज हो सकती है। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए आपको सिर्फ अपनी गेम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। सो गाइस, यहां पे मैंने अपनी गेम को रीस्टार्ट कर लिया है एंड अब ये स्टार्ट होने वाली है। तो मैं यहां से इसको कर देता हूं बंद, ये जितने भी आए हुए हैं। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्लैन सेक्शन में। एंड क्लैन में जाते ही मुझे शो होने लग गया है ब्लैक मार्केट इवेंट। ये वाला एक हिडन इवेंट है, नॉर्मली शो नहीं हो रहा है, कुछ के डिवाइसेस में लेट भी शो हो रहा होगा आई थिंक। तो उसके लिए तुम लोग रीस्टार्ट कर लेना, मैंने तुम्हारे सामने ही किया है, मेरे में आ चुका है। ठीक है, तो इस वाले इवेंट पे मैं क्लिक करता हूं। यहां पे हम लोगों को अलग अलग टाइप का स्टफ मिलेगा, जहां पे हमें दो मिल सकते हैं, ये वाली टेंपरेरी आउटफिट जो कि 15 डेज के लिए है। एंड ये वाली आउटफिट काफी एक अच्छी आउटफिट है, पहले भी गेम में आ चुकी है, मेरे हिसाब से 2,000 UC की थी कुछ, जितना मुझे याद आ रहा है। एंड उसके साथ हम लोगों को ये वाला जो मास्क है उसके साथ ये मास्क भी मिल सकता है, काफी अच्छा एक मास्क है। एंड ये वाला मास्क तो मैं खुद भी पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, काफी अच्छा है। 15 डेज के लिए है तो एक डिसेंट आउटफिट है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। अब गाइस तुम लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी कि नीचे पजल्स के पीसेस है, आखिर इन पजल्स के पीसेस को हमने कंप्लीट करना कैसे है। अब मैं तुम्हें कमाल की बात बताता हूँ, ये जो इवेंट है ना इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली, जैसे तुम लोग नॉर्मली खेलते हो वैसे ही बस खेलते रहो, अपने आप इवेंट कंप्लीट होता जाएगा, बस इसको कलेक्ट कर लेना, वो चीज मत भूलना। मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं किसी भी पजल के पीस पे तो हमें लिखा दिखता है यहाँ पे कि ये लोग बता रहे हैं कि ये जितने भी हैं यहाँ पे A B C D and G E तक जितने भी यहाँ पे पजल्स के पीसेज हैं उन सारे पजल्स के पीसेज को आपको कलेक्ट करना है। एंड ये जितने भी 1, 2, 3, 4 and 5 ये जो 5 पीसेज हैं, जैसे कि A B C D E ये जो 5 पीसेज हैं, इन 5 पीसेज को अगर आप ले लोगे कलेक्ट कर लोगे तो आपको फिर कंबाइन करने पे एक ये पीस बनेगा जो कि आप लोगों का कार्ड है, जिसमें आप लोग रिडीम कर सकते हो। एंड आउटफिट रिडीम करने के लिए आपको 5 कार्ड चाहिए, मास्क के लिए 2 एंड वगैरह वगैरह आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, तो अब ये पजल्स के पीसेज आपको कैसे मिलेंगे, बहुत ईजी है, आप लोग नॉर्मल गेम खेलते रहना अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग जाओगे अपनी क्लैन ट्रेनिंग में, क्लैन ट्रेनिंग में जाते ही अगर आप लोग यहाँ पे जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, आप उन बॉक्सेस पे क्लिक करो। ये देखो आप लोगों को नीचे की तरफ क्या दिखेगा, यहाँ पे रैंडमली आपको कार्ड मिलेगा, मतलब एक भी बॉक्स आप कलेक्ट करोगे ना तो आपको अपने आप हमेशा ही कार्ड मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। सो यहाँ पे आपको दिखता है लिखा हुआ चांस टू ऑब्टेन दीज आइटम्स, तो आप लोग को जो ऊपर के रिवॉर्ड्स हैं वो तो परमानेंट मिलने ही मिलने हैं बॉक्स में। एंड उसके साथ आपको जितने भी यहाँ पे कार्ड्स हैं ना उसमें से कोई भी कार्ड आपको रैंडमली मिल सकता है, कोई भी वन आपको एक भी मिल सकते हैं, दो भी मिल सकते हैं। एंड ऐसा आपको हर जगह पे मिलेगा, आपको यहाँ पे जितने आप ऊपर जाओगे उतने ज्यादा कार्ड मिलने के चांसेस हो जाएंगे। देखो यहाँ पे हर कार्ड 2-2 मिल रहा है, जो मिडल में है वहाँ पे कुछ कार्ड 1-1 मिल रहे हैं, कुछ 2-2 मिल रहे हैं, अलग अलग चीजें हैं। एंड आप लोग जब ये चीज कंप्लीट करोगे ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ट्रेनर मास्टर ये जो चीजें अपने आप ही कंप्लीट हो जाती है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। आप लोग अपने क्लैनमेट्स के साथ जब खेलोगे ना गेम को तो उसके
उसके बाद जब क्लासिक खेलते हैं तो अपने आप ये कंप्लीट हो जाती है, इसमें हमें नहीं कुछ करने की जरूरत होती, आपको तो पता ही होगा। सो गाइस उसके बाद देखते हैं हम लोग एक न्यू ट्रिक जो कि आई है स्पेशली सेकंड एनिवर्सरी मोड के अंदर। तो गाइस आप लोगों ने काफी बार सोचा होगा कि यार हम लोग काश हम लोग पानी के अंदर हील कर सकते वगैरह वगैरह वगैरह, एंड मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं बताने वाला कि अपना व्हीकल ले जाओगे अगर आप पानी के अंदर वो गिर जाएगा तो हील कर सकते हो, ना ना ना, मैं एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। देखो मैं आपको पूरा चीज़ दिखाता हूँ एंड आप लोग तब खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे है क्या, हम लोगों को एनिवर्सरी में थीम पार्क में जाना है, तो मैंने यहाँ पे एक मैच लगाया। मैच लगाने के बाद आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप जहाँ जिस भी थीम पार्क में जाओगे ना उसके आसपास कोई वाटर वाली जगह ज़रूर से होनी चाहिए। तो यार मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितनी भी प्लेसेज है ना उनकी हर थीम मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाले मैप में मैं दो मैप दिखाऊंगा, इस वाली जगह पे जहाँ पे मैं आया हूँ उस जगह के सामने भी वाटर पार्क है, वाटर वाली जगह है, यहाँ पे स्कूल के सामने भी वाटर वाली जगह है, मतलब किसी भी थीम पार्क में आप चले जाओ आपको मिलेगा ही वाटर। सो गाइस उसके बाद मैंने एक और मैप लगाया आप लोगों को स्पेशली दिखाने के लिए, तो आप लोग इस वाले मैप में भी देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी प्लेसेस है ना, जैसे कि ये हो गई अपनी गटका की साइड की, या फिर आप लोग फार्म या पोचिंग की, हर जगह के आसपास एक पानी वाली जगह है ही, मतलब इसका यही है कि आप लोग किसी भी जगह पे चले जाओ आपको एक पानी की जगह तो मिल ही जाएगी बिना किसी डाउट के। तो उसके बाद यार अब आपको करना क्या है, आप लोगों ने आना है किसी भी जगह पे, आने के बाद आपको जो दिख रही है ना चढ़ने वाली जगह, बस इसके ऊपर नॉर्मल सा चढ़ जाओ एंड अपनी ये जो जगह है इसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये वाली जैसे ही स्टार्ट हो आप लोग किसी भी अपनी जिस नदी में जिस भी अपने समुद्र में जाना हो वहां पे मार्क लगा लो, जैसे जाना इजी हो जाए उस जगह पे, एंड वहां पे सीधा आप लोग ग्लाइड करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप लोग सीधा ग्लाइड करोगे आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप लोग पानी में आओ आप लोगों ने एक चीज करनी है, आपको दिखाऊंगा। पहले मैं हवा में ग्लाइड कर रहा हूं ना, तो मैं हवा में ग्लाइड करता हूं एंड हवा में ग्लाइड करते हैं हम लोग सीधा पानी के अंदर जाने की ट्राई करेंगे, आप लोगों को जमीन पे नहीं जाना है। ये वाली ट्रिक तब काम नहीं करेगी अगर आप लोग जमीन से जाके पानी में जाओ, आपको सीधा पानी के अंदर जंप करना है एंड जंप करने के बाद आप लोग पानी में आ जाओगे। एंड अब पानी में आ गए ना, अब आप किसी भी अपने आइटम पे क्लिक कर लो, आप लोग एक एक चीज यूज कर सकते हो, इवन आप हाथ में गन भी पकड़ सकते हो। ये चीज पहले हम लोग कभी भी नहीं कर सकते थे, बट ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड एनिवर्सरी अपडेट में कर सकते हैं। मैं आपको फिर दिखा रहा हूं, ये देखो मैं हील अप कर सकता हूं, मैं अपनी ड्रिंक्स लगा रहा हूं, मैं काफी सी ड्रिंक्स लगा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं कोई भी चीज लगा सकता हूं, मैं चाहूं मैं मेडिकेट लगा लूं, मैं कुछ भी लगा सकता हूं। एक एक चीज जो भी आप लोग लैंड पे कर सकते थे वो हर एक चीज अब आप लोग पानी में कर सकते हो इस इवेंट के अंदर। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो मैंने अपने हाथ में बाइसन गन पकड़ लिया, मैं उस वाली गन को भी पकड़ सकता हूं, मैं AKM को भी पकड़ सकता हूं, एंड ये काफी एक अच्छी चीज लग रही है देखने में, काफी मजेदार चीज लग रही है। तो ये चीज आप लोग मुझे जरूर से बताना आप लोगों को कैसी लगी, एंड अगर आप लोगों को ये वाली ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर देना वीडियो को जरूर से, एंड अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम वैसी ट्रिक्स लाते हैं जिसके बारे में आप लोगों को ना पता हो। तो गाइस सेकंड ट्रिक आती है हमारे क्लासिक मोड से, आप लोग कोई भी मैप लगा लो, इवन क्लासिक में आप लोग रैंगल ही नहीं कोई भी मैप लगा लो, बस आपके पास एक चीज है BRDM होनी चाहिए, क्योंकि सर ये ट्रिक BRDM से रिलेटेड है। तो आप लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूं, यहां पे आप लोग करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी BRDM के ऊपर चढ़ जाना है, That's it। अपनी BRDM की अपनी जो छत है ना उसके ऊपर आप लोग खड़े हो जाना, चढ़ जाना, एंड कुछ नहीं करने की जरूरत है उस छत के ऊपर। आप लोग जैसे ही चढ़ोगे, अब अगर आप लोग इस वीडियो में देखो जो मैंने किया क्या है, मैं क्लासिक खेल रहा हूँ, नॉर्मल क्लासिक मोड है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इमोट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नाच रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, मैं नीचे नहीं गिरूंगा अपनी BRDM से, बिकॉज BRDM से हम लोगों को फॉल नहीं होते, हम लोग मतलब गिरते नहीं है नीचे की तरफ। आप लोग देख सकते हैं मैं इतने मतलब फनी फनी इमोट्स कर रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ BRDM के ऊपर, बट मैं नीचे नहीं गिरूंगा। एंड अगर आप लोग किसी व्हीकल के ऊपर लेट भी जाते हो ना, नॉर्मली आप लोग डासिया USX किसी पे भी लेट जाते हो तो भी आप नीचे गिर जाते हो, तो ये वाली जो ट्रिक है आप लोग तब भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास BRDM एंड आपके फ्रेंड्स ऑफलाइन है। इस पे हम लोग दो दो बंदे भी खड़े हो जाएंगे ना तो भी नीचे नहीं गिरते हैं। लाइक आप लोग किसी जगह पे फाइट लेने जाओ, आपका बंदा BRDM सीधी घुसेड़ दे अंदर एंड आप लोग उसके ऊपर खड़े इमोट कर रहे हो उनके सामने, तो काफी फनी होगा। हाँ बट अगर रैंक पुश कर रहे हो तो ऐसा कुछ मत करना, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप जरूर से लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे आपको मिली ट्रिक्स न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रॉम स्टेंगो, बाय बाय।